विकसित भारत के लिए भी जो है वो काम आए तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? राजूवास पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में इस समय जिस ढंग से नवाचारों को बढ़ावा देकर आकर्षण पैदा किया गया है और शोध और अनुसंधान के माध्यम से किस ढंग से उत्पादकता अधिक से अधिक हो सकती है इसको भी इन्होंने बढ़ावा दिया है और इनक्यूबेशन सेंटर के बनाने के कारण उससे जो उद्यमिता संबंधित ज्ञान है उसको देने का प्रयास किया है और इन सारे ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात जब यहाँ से विद्यार्थी जाएगा तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव जाएगा, क्योंकि जो भी अनुसंधान और शोध के माध्यम से पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जानकारी प्रदान की गई है वह निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप धारण करने में सक्षम हो सकती है और जो भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से जाएगा और उसको अपनाने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से रोजगार देने वाला बन जाएगा और उस लोगों के अंदर आत्मविश्वास का संचार करेगा। यह आज के दीक्षांत समारोह में जो प्रतिवेदन पढ़ा गया यहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में, जो जानकारी प्रदान की गई, जो हमने अनुभव किया वो मैंने सोचा है और इसलिए इस ढंग से विद्यार्थी तैयार होंगे तो निश्चित रूप से 2047 में उसके पहले ही भारत विकसित भारत का स्वरूप धारण करेगा। एक चिंता और आपने व्यक्त की थी अभी आपके संबोधन में कि संसाधनों की जिस तरह से निरंतर कमी होती जा रही है तो उनको बढ़ाने के लिए एक ये मुद्दा भी अभी उठता जा रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस तरह से लाने की, देखिए संसाधन की क्रमशः विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रयास किया जा रहा है कि जो उनके पास संसाधन है और जो सारी चीज़ें हैं उसी के द्वारा कैसे हम अर्जित कर सकते हैं, संसाधनों का सृजन कर सकते हैं, इस दिशा में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे डेयरी का है, डेयरी के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो सकता है, उसके माध्यम से राजस्व भी इकट्ठा हो सकता है। तो और भी कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से संसाधन जुटा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है ये सरकार विचाराधीन है, वो सरकार इस पर विचार करेगी। क्या क्या आप क्या मानते हैं आना चाहिए? नहीं, वो जब करेंगे तो आएगा। माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार कैसा रहा सरकार? नहीं, ये इस पर हमें नहीं बोला। साल आपके राजस्थान, राजस्थान के लोग बड़े ही सौहार्द वाले लोग हैं, लोगों का मुझे बड़ा प्यार मिला है और मैं कह सकता हूँ कि अधिकाधिक लोगों से मेरा संवाद हुआ है। कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन 50 से लेकर 100 लोगों से मेरी भेंट नहीं होती रही। लगातार मैं कार्यक्रमों में रहता रहा हूँ, जनता से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जनता के साथ सीधा सीधा संवाद रहा है और उस संवाद के आधार पर मैंने आत्मीयता महसूस किया है, लोगों ने भी अपनापन महसूस किया है। और 5 वर्ष में हमने कोशिश की है संविधान की मर्यादा को किस ढंग से लोगों के सामने प्रतिष्ठित किया जाए ये भी हमने बताने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित कैसे हों इस दिशा में भी हमने प्रयास किया है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी हर वर्ष जब से मैं आया हूँ हर वर्ष दीक्षांत समारोह हुए हैं और आज का जो दीक्षांत समारोह है ये 27वां दीक्षांत समारोह है 27वां विश्वविद्यालय का। आज भी मैं जब जा रहा हूँ तो पूरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह करके जा रहा हूँ ताकि सत्र नियमित रहे, प्रवेश भी नियमित हो, एग्जामिनेशन भी नियमित हो, रिजल्ट भी नियमित हो, डिग्रियां भी लोगों को नियमित रूप से बांटी जा सके जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमने किया है, संविधान पार्क हमने बनवाया है, ट्राइबल इलाके में हमने ट्राइबल विकास के लिए भी हमने काम किया है, रेड क्रॉस को हमने यहाँ बिल्कुल जीवंत किया है, हर ज़िले में रेड क्रॉस की बनाया, स्काउट्स को किया है। ये सारे चीज़ों को जो भी आम आदमी से संबंधित हैं सीधे संवाद उनका है, इन सारे चीज़ों को जीवंत करते हुए राजस्थान के लोगों का कल्याण और हित कैसे अधिकाधिक हो सकता है इस दिशा में।